यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन शेयर करेंगे। ये मैंने बुकरम ली है। सबसे पहले हम बुकरम को बीच में से मोड़ लेंगे और देखिए इस तरह से मोड़ने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12.5 इंच ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब इस पे हम नेक की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से जो हम नेक की चौड़ाई रखेंगे, जैसे हम नॉर्मल नेक की चौड़ाई 3 इंच रखते हैं तो इस डिजाइन के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इसकी चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे। और अगर आप छोटा गला पहनते हैं, जैसे आप नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं, तो इस डिजाइन के लिए आपको 3 इंच चौड़ाई रखनी है, यानी कि जितना भी बड़ा आप नेक पहनते हैं उससे आपको 1/2 इंच इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। अब इसके बाद हम नीचे की साइड एक निशान लगाएंगे। जैसे आप छोटा गला पहनते हैं तो आप 7 इंच पे निशान लगा सकते हैं, मैं इस निशान को 7.5 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे लगाया। इसके बाद यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 3 इंच पे। और देखिए आप 7 इंच पे निशान लगाते हैं तो भी आपको ये निशान 3 इंच पे ही लगाना है। अब इसके बाद हम यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो 1/4 इंच रखेंगे, 1/4 इंच से ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई 1/4 इंच ली। अब यहाँ से और यहाँ तक हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। और इसके बाद देखिए हम इसमें कम से कम 1/2 या 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे। और अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और देखिए ये मैंने नेक की कटिंग कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको हम जो हमारी कुर्ती है उसी कलर के कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे प्रेस से। ये मैंने प्रेस से चिपका लिया है। आपकी चिपकने वाली बुकरम ना हो तो आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे। हम कम से कम 1/2 या 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे और बाकी कपड़े को ऐसे काट देंगे। और देखिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और देखिए यहाँ पे ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से जो हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको हम काट देंगे और जो ये बुकरम के ऊपर कपड़ा है इसको भी हम काट लेंगे। और देखिए अब हम इसको अपनी कुर्ती के ऊपर अटैच कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगा के और अंदर से मैंने कपड़ा भी काट लिया है। अब इसके बाद हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, नीचे की साइड हम नेक को मोड़ देंगे और इस पे हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इस सिलाई को हम बाद में हटा के और तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम बैक साइड को जॉइंट करेंगे। ये मैंने बैक साइड ली है और इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसके हम दोनों साइड में शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम
हम इसको इस तरह से रखेंगे और शोल्डर पे सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए, इसके लिए बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें आप दोनों साइड को जॉइंट करके नेक बनाना बताएं। ये मैं आपको दोनों साइड जॉइंट करके भी बता रही हूँ और ये मैं पूरा कंप्लीट नेक बताऊंगी आपको। अब हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, ये हमने इसका शोल्डर है जो इस पे सिलाई लगा ली है। और अब देखिए, यहाँ से आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ये ऐसे ही रखना है। यहाँ से आपको ये कपड़ा काटना नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस पे डिजाइन लगाएंगे। तो देखिए, डिजाइन के लिए सबसे पहले हम ऐसे कपड़ा लेंगे। आप कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, मैंने ये व्हाइट कलर लिया है। और ऐसे हम इसको फोल्ड करके और सिलाई लगा लेंगे। वापस हम इसको इसी तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, इसी तरीके से मैंने ये बाकी के फीस बना रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनको तो हम यहाँ पे रख लेंगे। और इसके बाद मैंने ये एक कपड़ा लिया है और ये मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। आपको भी सीधी पट्टी लेनी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बीच सेंटर में से, और इसकी हम प्रेस कर लेंगे। और इस पट्टी की जो लंबाई है वह आपको अपने नेक के हिसाब से रखनी है, जो आपके नेक पे चारों तरफ आ जाए। इतनी आपको इस पट्टी की लंबाई रखनी है ताकि आपके नेक पे चारों तरफ अच्छे से लग जाए। अब इसको हम अटैच करेंगे। और देखिए, आप चाहें तो इसमें आप कैनवास पेपर भी यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल कपड़ा यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे। यहाँ से हम बिल्कुल इसके कोने के बराबर रखेंगे इस तरह से। और अब हम जो हमने ये व्हाइट कलर का डिजाइन बनाया है इसको हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पे हम इनको ऐसे रखते जाएंगे और इन पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर रखना है और ऐसे आपको सिलाई लगानी है। और देखिए, अब ये बैक साइड आ गई है, तो बैक साइड में भी हम इसी तरीके से डिजाइन लगाते जाएंगे। यहाँ से हम ऐसे रखेंगे। और जो ये कपड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये बैक साइड वाला कपड़ा है, इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, अब यहाँ पे ये कोना आ गया है, तो अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और ये वाली जो पट्टी है इसको हम इसके अंदर कर देंगे। आप इस तरह से कोई भी चीज़ की मदद से इसको अंदर कर लीजिए। और अब हम यहाँ पे ऐसे टांका लाएंगे और यहाँ पे भी हम ये लगा देंगे। यहाँ पे इसके नीचे भी हम इसी तरीके से ये अटैच कर लेंगे। बिल्कुल बीच सेंटर में आपको ये रखना है। और इस तरीके से ये हमने इस पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद देखिए, जो ये सिलाई है इसको तो हम हटा देंगे और यहाँ पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे, ताकि जो ये हमारा कपड़ा है ये सिलाई में दब जाएगा। तो इस पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई भी हम चारों तरफ ही लगाएंगे पूरे नेक के ऊपर। और देखिए, यहाँ पे
ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए ये नेक हमारा एकदम कंप्लीट हो गया है। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड में भी हमने डिजाइन लगाया है, बैक साइड को भी आप देख सकते हैं। और कितना सुंदर नेक हमारा ये कंप्लीट है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।